राजनीतिकरण यह केवल यूपी में ही हो सकता है कि दूसरे प्रदेश का कोई भी आकर यूपी में चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, लेकिन यूपी से कोई भी गुजरात में चुनाव लड़कर दिखाए वहां। सही बात है, आपकी बात बिल्कुल सही है, कोई बिल्कुल सही नहीं। उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी जॉर्ज फर्नांडिस साउथ इंडिया से थे और मुजफ्फरपुर से वो लगातार जीतते रहे। तो ये हिंदी हार्टलैंड, इसलिए यहाँ पे प्रदेश आदि के लोग को लेके कभी विभेद नहीं हुआ, कभी नहीं। यूपी में, बिहार में ऐसे जीतते रहे, बंगाल के भी कुछ क्षेत्र में जैसे आसनसोल में, खैर वो तो वहीं से था लेकिन अभी सशस्त्र सेना जीते हैं। तो नॉर्थ इंडिया का एक वो जो है वो, और गुजरात में होना चाहिए मुझे लगता है, लेकिन गुजरात में वो गुजराती अस्मिता उभार दिया। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात को एक अलग ही प्रदेश बना दिया, देश बना दिया, मेरे गुजरात में। अरे गुजरात मेरा भी है भाई, वो आपका नहीं है केवल, वो मेरे देश का, मेरा यहाँ है गुजरात, मेरे गुजरात में, मेरे गुजरात में। महाराष्ट्र में जो अभी वोटिंग भाजपा के खिलाफ हुई है वो क्यों हुई है, उन्होंने वहां जाके गुजराती अस्मिता उभारना शुरू किया, तो मराठी भी उतर आए, तो मराठी गुजराती का झगड़ा करा दिया है अभी वहां महाराष्ट्र में। तो ये इनको जो हमने उस समय विरोध किया था, लेकिन द ग्रेट डिवाइडर, भारतीय समाज को सबसे ज्यादा बांटने वाला कोई नेता भारत के इतिहास में आया तो वो नरेंद्र मोदी, इसमें कोई शक नहीं है। पति पत्नी तक में झगड़े हो रहे हैं, प्रदेश प्रदेश में झगड़े हो रहे हैं, ओबीसी की अलग जातियों में झगड़े हो रहे हैं, हिंदुओं में झगड़े हो रहे हैं, सब जगह झगड़े हो रहे हैं। तो वो ग्रेट डिवाइडर हैं, तो उन्होंने यही काम किया है। कमलेश जी कह रहे हैं सुना है अब की बार साहब बड़े कदम उठाने वाले हैं। कदम तो आपको बताया था, पूरे संसद एरिया को सीआईएसएफ के नए बल को लाकर सीआरपीएफ को हटाकर घेरा जा रहा है, जनता आदि का विद्रोह जैसा कुछ कुछ ऐसा ऊंचा ना हो, तो ये व्यवस्था की जा रही है। गृह मंत्रालय और नॉर्थ ब्लॉक के फाइल जल गए हैं, आग लग चुकी है, और सीआईएसएफ के बैरक बख्तर बंद गाड़ियों से पूरी पूरे नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, नया संसद, पुराना संसद, पूरे एरिया को घेर दिया गया है सीआरपीएफ को हटाकर। और इसके अलावा एनएसजी से उनकी ट्रेनिंग करवाई गई, 15 दिन की ट्रेनिंग उनकी चली है, तो व्यवस्था तो कर रहे हैं। और चुनाव आयोग, अभी सब कुछ चुनाव आयोग के हवाले होता है, एक संवैधानिक संस्था है, उसमें सरकार ये कैसे कर रही है, चुनाव के बीच में संसद के पूरे सिक्योरिटी को बदल रही है, ये संदेह पैदा तो करता है। सुनील पेंडलकर जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदीप तिवारी जी कह रहे हैं धन्यवाद प्रदीप जी, आपका थैंक यू मेंबर आप बने, थैंक यू सो मच। राजेश जी, संजीव जी आज तो मैं सुबह 4 बजे आपका लाइव देखने के लिए, अरे वाह धन्यवाद राजीव जी, क्योंकि समय का काफी अंतर है, अन्यथा हमेशा बाद में ही वीडियो देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सही बात है कनाडा में आपका समय का जो है, लेकिन आप 4 बजे जगे, मैं भी 4:30-4 बजे जग जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहा वहा के पूजा वूजा करके लिखने के लिए, किताब लिखने में, क्योंकि मेरे पास 24 घंटे ही है मात्र, तो लिखने का काम मैं सुबह सुबह करता हूँ। तो ये तो अब हम लोगों के रूटीन में हो गया है, तो आप देखना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, थैंक यू सो मच। सुमित मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। दिव्य बीर सिंह जी धन्यवाद, आपकी वीडियो से पहले ये बीजेपी के एड आ रहे हैं, बड़े चालू लोग हैं पता है, जब भी आपका वीडियो देखता है उसे बीजेपी का वीडियो दिखाओ, बाकी किसी की वीडियो के साथ ये होता नहीं देखा। अब क्या कर सकता हूँ, अल्गोरिथम उनका ऐसा है, और अब क्या कहूँ मैं, तो इस पर क्या बोल सकता हूँ, ये तो यूट्यूब करता है। आपके इस चुनाव में एक इम्पैक्टफुल आपका इंडिया स्पीक्स का, इतने बड़े बड़े सब हैं लेकिन आपको ये आंकड़े वाला, पिछले चुनाव में कुछ कुछ परसेंट भी था लेकिन किसी ने नहीं उठाया था, इस चुनाव में आपको श्रेय जाता है इंडिया स्पीक्स को, तो इम्पैक्टफुल पत्रकारिता कीजिएगा तो व्यूज कम हो लेकिन बड़े लोग सब देखते रहते हैं, यही चक्कर होता है। मनोज कुमार जी कर, आई एम फ्रॉम हरियाणा, इवन माई ऑल फैमिली मेंबर नॉट वोट फॉर बीजेपी, देख लीजिए अब मनोज जी कह रहे हैं, पुष्टि हो रही है, क्योंकि बीजेपी हरियाणा अकेला स्टेट है जो पूरे चुनाव के 6 चरण में मुझे दिखा, हो सकता है मैं हरियाणा में रहता हूं तो इसलिए दिखा, और जगह उतना नहीं दिख पाया, सब जगह तो जा नहीं, पार्टी के प्रचार में गया हूं लेकिन सब जगह तो नहीं जा पाया, तो जो पूरा वोट आउट करना चाहता वो कह रहा है कि जैसे हमारी पार्टी के कैंडिडेट है, तो अब देखिए इसमें
कि आप बहुत अच्छी पार्टी है, ये होना चाहिए, लेकिन इस बार इसको हराने के लिए वोट करेंगे, अपना वोट नहीं बर्बाद करेंगे। अब समझ लो, मोदी को हराने के लिए वोटिंग ये हरियाणा में सिर्फ हो रही है और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा, पूरे अच्छा पूर्वांचल एरिया में भी मानो इनकी स्थिति ठीक नहीं है उतनी। पूर्वांचल अब यूपी में 14 से बुरी स्थिति 19 में हुई, अब 19 से बेहतर तो हो नहीं सकती अभी 24 में। फिर हरियाणा वाला, हरियाणा के तो 10 के 10 सीट जा सकते हैं इनके हाथ से, एक दो आ सकते हैं आ जाएं, जैसे करनाल है खट्टर वाला, करनाल है, फरीदाबाद है और गुड़गांव, ये 3 सीट हैं, अगर ये आएंगे तो इन 3 सीट पे बस, उसके बाद इनके संभावना नहीं है, बाकी चुनाव आयोग कृपा करे तो अलग बात है। हिंदू जी कह रहे हैं के हिंदू, हमारे विजय बिहार रोहिणी चक्राचार्य में बहुत भीड़ थी सर, बहुत बीजेपी के खिलाफ गया, मेरा भी मूड नहीं था वोट डालने का, फिर सोचा बीजेपी को हराने तो वोट डाल लूं। तो अच्छा रोहिणी सेक्टर आपका, तो आपका उत्तर पश्चिम पड़ गया, यानी उदित राज को वोट पड़ा है, क्योंकि मुझे उदित राज, मैंने सब जगह पर, मैं एक दिन समय लेता हूं तो बात किया तो सबने ये कहा कि भाई साहब नोटा दबाया या फिर दे मन मार कर दे आया, क्योंकि उदित राज को वोट नहीं दे सकते। और जो चंदोलिया है बीजेपी, मैं तो निष्पक्ष बताता हूं आपको, चंदोलिया लोकल लीडर है भाजपा के, तो भाजपा ने वहां लोग अभी तक हंसराज हंस उदित राज ऐसे को उतारते रहे, तो वो लोकल लीडर है, तो मुझे लगता है लोकल लीडर के कारण उसको फायदा मिलेगा। उदित राज जीत जाता तो ये भी दुर्भाग्य ही है, लेकिन भाजपा के प्रति गुस्सा है तो वो दिख रहा है। मस्ट राइज करें, मैंने हमेशा बीजेपी को वोट दिया है जब से 18 का हुआ हूं, पर इस बार नहीं दिया, मेरा भी ये देखो नहीं, कैसे दे दूं, इतना बड़ा धोखा, धोखा के बाद भी मैं दांत निपोड़ के वोट देने जाऊं तो बेशर्मी हो जाएगी ना मेरी, कैसे वोट दे दूं, किस लिए दे दूं, इन्होंने जो हिंदुओं के पीठ में छुड़े को मैं इसलिए दे दूं, कहा कि तुमने, फिर तो काशी विध्वंस के साथ खड़ा होना हो जाएगा, फिर तो गौ माता की हत्या के साथ खड़ा होना हो जाएगा, फिर तो बीफ एक्सपोर्ट में खड़ा होना हो जाएगा, फिर जो इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला किया इन्होंने सागरमाला भारतमाला प्रोजेक्ट में उसके साथ खड़ा होना हो जाएगा, फिर जो ये मिडिल क्लास का खून चूसा है उसके साथ खड़ा होना हो जाएगा, ये फिर महंगाई के साथ खड़ा होना हो जाएगा, चीन जो हमारी जमीन ले ली है उसके साथ खड़ा होना हो जाएगा, तो हमारे जो सैनिक मरे हैं 580 के आसपास उनके साथ उसके लिए खड़ा होना हो जाएगा, तो कैसे इनको वोट दे दें, इनको वोट देना तो असंभव सा काम है। अद्वैत जी धन्यवाद, थैंक यू। समथिंग इज नॉट एडिंग अप, इफ दे आर विनिंग बिग देन व्हाई डू मच प्लानिंग फॉर, इफ दे आर विनिंग बिग देन व्हाई डू मच प्लानिंग फॉर लूजिंग, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कर रहे हैं, कि अगर वो बड़ी जीत उनको मिलती है तो बड़ी जीत की संभावना अद्वैत जी मुझे दिख नहीं रही, क्योंकि बड़ी जीत के लिए बड़े वोट चाहिए, वोटिंग जो हो रही है वोट घट रहा है, चुनाव आयोग बढ़ा रहा है अपने मन से वो अलग चीज है 1 करोड़ वोट, लेकिन वोट घट रहा है, तो बड़ी विनिंग नहीं दिख रही इनकी मुझे, और लूजिंग की प्लानिंग तो आप ये इनका समझिए कि ये जो इनका इंटरनल पूरा मैकेनिज्म है वो अपना काम कर रहा है, विकल्प 1 विकल्प 2 पे भी काम कर रहा है, हालांकि मोदी जी इससे गुस्सा में है और वो काम कर रहा है, क्योंकि अगर 220-230 के पास रहती है तो भी गणित एक बैठ गया है, भाजपा में नेता बदल दिया जाएगा और उस नेता के समर्थन में शरद पवार भी आएंगे, उद्धव भी आएंगे, बाकी पार्टियां भी आएंगी और वो सरकार बना सकते हैं, तो ये भाजपा के अंदर इसकी बैठक हुई है, बैठक हो चुकी है। कमल सिंह जी धन्यवाद, धन्यवाद आपका भी, आपकी वजह से हम हिंदू अपने मुद्दे पहचानने लगे, आपके द्वारा किए गए विश्लेषण के द्वारा इनकी करनी कथनी का अंतर बिल्कुल नहीं, मैं भी अंधेरे में था 19 में, तो मैं, आप तो जानते हो भाजपा का डाई हार्ट समर्थक था मैं 14 में 19 में हमेशा रहा, उन्हीं को वोट दिया आज तक, लेकिन काशी ये तो महादेव की कृपा है, ये मेरी भी महादेव की कृपा है कि जिस वहां ले जाके मुझे रुलाया उन्होंने, काशी जो विध्वंस किया इसने, मेरी पीड़ा उस काशी के बाद से बढ़ गई। मैं ये जो नेताजी हैं प्रधानमंत्री, मैं अब इनको टीवी पर देख भी नहीं पाता हूँ, चेहरा बदल देता हूं मैं, मुझे इतना, जिसने हमारे
मंदिरों को तोड़वाएगा, उस औरंगजेब ऐबक के श्रेणी में खड़े होकर कैसे चेहरा देखूंगा मैं, मेरे से नहीं हो पाता। पहले मैं मन की बात के लिए रविवार को सुबह बैठ जाता था पागलों की तरह, पागल दिमाग, और इनके टीवी पर भाषण सुनने के लिए, कई भाषण पे इनको ट्वीट किया कि आप क्या बोल रहे हैं, बड़ा शानदार और ये वो, तो मैं अपने को ही थप्पड़ मारता हूं। तो अब मुर्दा नहीं हूं, जिंदा हूं, तो परिवर्तन तो आया, और परिवर्तन आया मंदिर टूटने के कारण। मंदिर टूटना अपनी आंखों से नहीं देखता तो अभी भी शायद अंधेरे में भटक रहा होता। तो ये महादेव की कृपा है जिसके कारण आंखें खुल गई। ऐसी करें, अगर मोदी जी ने पीएम पद से हटने से मना कर दिया तो क्या होगा इसका असर देश पर? उनको हटना पड़ेगा, संवैधानिक संस्था हस्तक्षेप, इसे तो राष्ट्रपति उन्हीं के हैं, तो राष्ट्रपति तो उन्हीं के हैं, और राष्ट्रपति उनको सरकार बनाने के लिए कह सकते हैं, जो मैं आपको पोजीशन से बताता हूँ, 6 महीने का समय दे सकते हैं, और ये फिर थैली साग खरीद कर बहुमत पूरा कर सकते हैं। ये स्थिति बनेगी। स्थिति नंबर 2 कि जनता गुस्से में आ जाए, जैसे संसद भवन को घेरा था निर्भया कांड में जनता ने, और जनता पे लाठीचार्ज और पानी का फुहारा ये सब किया गया था यूपीए सरकार में, उस तरह की स्थिति के लिए उन्होंने सीआईएसएफ से घेरा है पूरा। सीआईएसएफ जो सीआरपीएफ तो गोली उठी थोड़ी चला, सीआईएसएफ थोड़ा प्रोटेक्शन में रहती है, बख्तर बंद गाड़ियां और इस तरह से, तो स्थिति हो सकती है। तीसरा कि यदि अराजकता की स्थिति बनी तो सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। तो पहली संभावना ये नहीं हटेंगे तो बहुमत, इनको राष्ट्रपति घोषित करके बहुमत साबित करने के लिए 6 महीना देगा, फिर तो तोड़ फोड़ सब हो जाएगा। दूसरा है कि अगर जनता आक्रोशित है तो सीआईएसएफ का उपयोग चारों तरफ वो करेंगे, और जनता के आक्रोश को दबाने के लिए लाठी आंसू गैस गोली ये सब चल सकती है। और तीसरा है कि सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करना पड़ सकता है, इसकी संभावना है सुप्रीम कोर्ट की। तो ये 3 संभावना है। SS 2023 का संदीप जी 4 PM न्यूज चैनल पर एक एस्ट्रोलॉजर कह रहे थे कि इस बार कालनेमी का झोला उठना निश्चित है और 4 जून के दिन बैलेंस होने, ये तो आपके श्वेता जी ने भी कहा, श्वेता पुरोहित जी ने जो नाड़ी ज्योतिष देखा वो तो खुद ही कह रही है कि उस दिन ग्रहों की दशा टकरा रही है और हस्त नक्षत्र में केतु दिख रहा है। और जब भी भारत के इतिहास में हस्त नक्षत्र में केतु दिखा तो कांग्रेस रहती है सत्ता में, भाजपा नहीं। तो श्वेता पुरोहित जी भी यही कह रही है, तो बड़े ज्योतिष ये कह रहे हैं। अब साजिश एक अलग चीज है चुनाव आयोग का, पर वो ग्रहों की स्थिति से देखकर, अब जिन चैनल का आप बता रहे हैं उनके बड़े ज्योतिष होंगे, और श्वेता जी तो उनका तो एक एक बात सच होता है। अभी श्वेता जी ने कहा था कि गोधरा जैसी घटना हो सकती है, और आपने देखा कि नूह में श्रद्धालुओं से भरी बस जल गई, 8-9 लोग जले। अभी आप देख सकते हैं कि राजकोट में 30 बच्चे हमारे जल गए, मर गए सब गेम वाले। तो श्वेता जी भी ने भी वही कहा, तो एस्ट्रोलॉजर वही कह रहे हैं, क्योंकि भाजपा नीचता में चली जा रही है, नीच होती जा रही है। अब देखिए ना, माता कैकेयी माता है, उनके मुंह पर सरस्वती बैठ गई तो राम के लिए वनवास मांग लिया। मोदी जी कितनी मतलब कितने नीचे के लेवल पर जाके बात कर रहे हैं, भैंस खोल लेगा तुम्हारा, टोटी खोल लेगा तुम्हारा, बैंक लूट लेगा, तुम मुजड़ा करो, मैं भगवान हूं, मैं अपने माँ के गर्भ से नहीं पैदा हुआ, जैविक रूप से पैदा नहीं हुआ, मैं 47 साल जीवित रहने वाला हूँ, मैं अनिश्वर हूँ। कल तो NDTV में ये भी कहा कि मैं अनिश्वर हूँ, मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता, इस तरह की बातें हो रही। तो मानसिक विचलन तो दिख रहा है, प्राइम मिनिस्टर तो साफ ही दिख रहा है। कामाक्षी कॉल जी, RSS जो इतना घमंड कर रही है 14 से पहले उसे पूछता ही कौन था। सही बात है, हम मोदी में उम्मीद दिखी थी तभी वोट कर रहे, फिर मोदी ने हिंदुओं को धोखा दिया मल्लेच कर। सही बात है। RSS अपना वजूद बनाए रखने के लिए उनका नाटक है, और वो एक समलैंगिकतावाद का समर्थक एक संगठन है, उस संगठन से हिंदुओं को कोई उम्मीद नहीं रखना चाहिए, वो एक हिंदू द्रोही संगठन है।
देखिए सत्यनारायण जी कह रहे हैं औलिया काशी का अविनाशी हो गया, वीडियो क्लिप देखा, सही बात है। एनडीटीवी में कह रहे हैं मैं तो अविनाशी हूं जी, ये कोई ये महादेव विष्णु इनके अलावा कौन हो सकता है अविनाशी। अविनाशी मतलब जिसका नाश ना हो, जिसकी मृत्यु ना हो। ये कह रहे मैं 47 तक रहूं, मतलब जो है रहूंगा और मैं काम 47 तक नहीं, कुछ पी के आए हो क्या जो आप जीवित रहने वाले, क्या घोषणा कर रहे हो? मैं देवता हो गया, मैं मां के गर्भ, मैं जैविक नहीं हूं। तो अब मैंने इनको अजैविक सुल्तान कहना शुरू किया, अजैविक। ये AI से डाउनलोड पोर्शन होता यही है कि मैं जो अपनी मां के लिए कह रहे हैं, मां के गर्भ का अपमान कर रहे हैं कि मैंने मां के गर्भ जन्म नहीं लिया, तो क्या कह सकते हैं? बुद्धि फिर गई है, भ्रष्ट हो रही है। और बड़े आश्चर्य की बात है, मास्टर स्ट्रोक बाद इसके पक्ष में पोस्ट लिख रहे हैं। अरे नीच, कम से कम भगवान की महिमा गाओ, भगवान की कृपा बरसेगी तो परिवार बढ़ेगा, सब कुछ अच्छा होगा। व्यक्ति का व्यक्ति की महिमा गा रहे हो, वो जो कह रहे प्राइम मिनिस्टर अपना कहने दो। मास्टर स्ट्रोक वादी लंबे लंबे पोस्ट लिख रहे हैं, ताज्जुब हो गया भगवान घोषित करने के। मयंक जी कह रहे हैं संदीप जी दूसरे यूट्यूब चैनल वाले भी आपका और विशाल बीज को देखते हैं, महामानव शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, देखते ही होंगे, बहुत सारे लोग छुप के देखते ही हैं, डाउनलोड करके देखते हैं। बड़े लेवल पे तो असर आप देख ही रहे हो, व्यूज नहीं दिखता क्योंकि व्यूज इसको इस चैनल, इसलिए मैं आप लोगों का सब्सक्रिप्शन सारी सब बढ़ते रहिए, चैनल चलता रहे। और व्यूज नहीं दिखता क्योंकि वो उसका यूट्यूब उसको प्रमोट नहीं करता, उनको कुछ दिशा निर्देश होगा। तभी मैं कहता हूँ कि लाइक वाला आप लोग लाइक जरूर करो, क्योंकि लाइक करने से वो फिर एल्गोरिथम में आ जाता है। ज्ञानेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं क्या वोट 5 बजे बाद बढ़ाया जा सकते हैं, क्योंकि फॉर्म 17 तभी दे दिया जाए आपका? क्या वोट 7:30 तक चल सकते हैं, 5 बजे कोई लाइन में लग गया तो जब तक आखिरी व्यक्ति उस बूथ में लाइन में लगा है 5 बजे तक वोट नहीं देगा, तब तक वोट चलेगा। और उसके बाद फॉर्म 17C दे के फिर उस पर एजेंट्स के दस्तखत कराए जाते हैं। कई बार 9 बजे तक वोटिंग हो गई लेकिन तब भी वो जो है ना ऑन पूरा जो है रियल टाइम डाटा है, तो उसमें हेड जो है 9 बजे तक का 11 बजे रात तक वो दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। ये 11 दिन नहीं चाहिए होता है, इसलिए आपको 2019 का भी मैंने दिखाया। सोम भसीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, एकम के प्रचार के लिए सब संकल्प की फोटोकॉपी, प्रत्याशी की फोटोकॉपी, हनुमान चालीसा ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, और इस पे हनुमान जी की कृपा, हनुमान जी तो चिरंजीवी है, हनुमान जी जागृत देव है, तो उनकी कृपा जरूर आप पर आपके परिवार पर होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सोम जी। एनसी पांडे कह रहे हैं संदीप जी यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आपने वोट नहीं दिया, नोटा तो डाल ही सकते थे, नोटा डालने क्या मैं पेट्रोल जला के जाता, दुख तो बहुत बड़ा है, हिंदू होकर ठगा गया हूं तो शो ऑफ करने के लिए मैं क्या जाता। उस नोटा को भी ये मैनेज कर रहे हैं, ये जो वोट परसेंटेज का खेल हो रहा है अंत में नोटा ही मैनेज किया जाएगा बड़े पैमाने पर, तो मेरा नोटा भी गौ हत्यारों को मूर्ति भंजकों को मिल जाता तो मैं तो पाप का भागी बनूंगा, तो इसलिए मैं नहीं किया, नोटा भी ये मैनेज कर रहे हैं। नोटा मैनेज ही है, आप मान लो नोटा मैनेज, नोटा देके क्या करते हैं? मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूं, मैं साफ बोलता हूं कि ये नोटा भी मैनेज हो जाता तो मेरा वोट इनको पहुंच जाता, कभी मेरा कॉलम अभी खाली गया है क्योंकि मेरा भाई उनकी पत्नी वोट देके आए हैं तो उन्होंने हमारा कॉलम खाली किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।